आज चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को पीटा। थाना टीला मोड़ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मारपीट हुई। विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने भोपुरा लोनी रोड जाम कर दिया। चेकिंग के दौरान एक युवक को पुलिस वालों ने पीट दिया, जिसके विरोध में ग्रामीण खड़े हो गए और उन्होंने पूरा मार्ग जाम कर दिया। भोपुरा लोनी रोड को ग्रामीणों ने जाम किया। गाजियाबाद से पूरा मामला है। चेकिंग के दौरान एक युवक को पुलिस ने पीटा, जिसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को पीटा, जिसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और ग्रामीणों ने भोपुरा लोनी रोड जाम कर दिया, जिससे लोगों को अव्यवस्था होने लगी। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको गाजियाबाद से। इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कितना भयानक जाम लगा हुआ है। चेकिंग के दौरान युवक की पिटाई के बाद ये पूरा हंगामा हुआ। गाजियाबाद चेकिंग के दौरान पुलिस ने युवक को पीटा, जिसको लेकर भोपुरा लोनी रोड पर जाम लग गया। जाम के बाद आम जनता को असुविधा होने लगी। विरोध में सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए और ग्रामीणों ने जाम लगाकर विरोध दर्ज किया। पुलिस वालों के खिलाफ ग्रामीण आक्रोशित हो गए और जाम लगा दिया। गाजियाबाद से जावेद चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जावेद, ये जो पूरा मामला सामने आया है, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को पीटा, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए, क्या पूरा मामला है, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए इन्हें जी, मैं आपको बता दूं कि मामला साहिबा थाना क्षेत्र के भोपुरा का है, जहां पर बीएल कंपनी में कार्य करने के लिए कुछ जो वर्कर है वो जा रहे थे। इसी बीच पुलिस ने वापस जैसे उनके बाइक को उनको साहिबा भोपुरा बॉर्डर पर उनको रोकने का प्रयास किया गया, तो वो रुक गए और रुकने के साथ ही उन्होंने अपने कागजात दिखाने लगे। इसी बीच कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा बदतमीजी के चलते कुछ वो जो कर्मचारी है बीएल कंपनी कर्मचारी है उनको पीटा भी गया। इसी के साथ साथ जिस तरीके से पीटा उनको गया, उन्होंने अपने घरों पर आसपास जो गाँव है उनको फोन कर दिया। भारी तादाद में वहां लोग इकट्ठा हो गए और जैसे ही लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस के हाथ तक हो गया और लोगों ने वहां जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है और वहां पर हंगामा किया है, रोड को जाम कर दिया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की तफ्तीश और जांच की बात लगातार कर रहे हैं। और साफ तौर पर बात की जाए तो वहां पर जो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर जिस तरीके से पुलिसकर्मियों ने बदतमीजी अभिधा की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लगातार अभी भी वहां जाम की स्थिति बनी हुई है। तकरीबन पांच से सात किलोमीटर वहां जाम लगातार लगा हुआ है। पुलिस ने बैरिकेडेड लगा दी है, लोगों का हंगामा लगातार जारी है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका जावेद।